बाइकों के साथ पांच शातिर मोटरसाइकिल चोर, 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक, लाभान्वित किसानों का वितरण ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए दिए निर्देश। एनी रेलवे के 63वें पुरस्कार वितरण का हुआ समापन, कुल 103 रेलवे कर्मी शानदार कार्यों के लिए हुए पुरस्कृत, जीएम ने दिया मेडल और सम्मान पत्र। विपक्ष के द्वारा संसद न चलने के विरोध में प्रधानमंत्री सहित भाजपा के सांसदों ने और पदाधिकारियों ने किया एक दिन का उपवास। गोरखपुर में भी भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ रखा व्रत। जेई और एईएस पर प्रभावी अंकुश लगाने और ग्राम स्वराज अभियान की सफलता के लिए डीएम ने की बैठक, कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना दिवस पर लगाई गई निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर। एनी रेलवे मना रहा है राजभाषा पखवाड़ा, प्रशिक्षक दे रहे हैं कर्मचारियों को नई नई जानकारियां। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के ट्रांजैक्शन फेल होने की दशा में खाते से संबंधित त्रुटियों को सही करने की अब समय सीमा 15 तक की गई। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर सरकार के निर्देश पर यातायात विभाग ने स्कूल की छात्राओं को दिया यातायात नियमों और संकेतों की जानकारी। निजी आईटीआई के छात्रों ने सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन, कर रहे हैं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की फरियाद। और गोरखपुर महिला समिति ने धूमधाम से मनाया बैसाखी महोत्सव, एक दूसरे को दी ढेरों शुभकामनाएं।